चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज हम लोग का लास्ट क्लास है रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। जो मैंने पीडीएफ भेजा था, हैव यू ऑल ट्राइड दैट पीडीएफ? कुछ कुछ सम्स उसमें से नहीं हुए होंगे क्योंकि आज कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग के करने बाकी हैं, बट यस अपार्ट मैम फ्रॉम दैट कोई डाउट? मैम वही सम्स है जो हम लोग ने नहीं किया है। हाँ अच्छा, मतलब उसी में डाउट है खाली, जो किया हुआ है कॉन्सेप्ट उसमें कोई डाउट नहीं है। नो मैम भाव्या तुमको भी? चलो ठीक है, वील स्टार्ट। आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वन वन फंक्शन, सबसे पहले हम लोग करेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होते हैं? अगर हम लोग मैपिंग करें तो ये हम लोग का डोमेन है। जानवी, ये क्या हम लोग का? कोडो में वेरी गुड, को डोमेन। यहाँ पे सारे प्री इमेजेस आएंगे और यहाँ सारे इमेजेस आएंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग सपोज करें 1 2 3 4, ए बी सी डी, वन वन फंक्शन का मैपिंग ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है? वन वन फंक्शन, जैसे हम लोग को नाम से पता चल रहा है, 1:1, मतलब कि डोमेन का हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज होगा कोडोमेन में, एंड कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज होगा डोमेन में। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट हो, क्योंकि हम लोग फंक्शन जब करते हैं तो कंडीशन में सिर्फ डोमेन का बोला जाता है, दैट डोमेन का एवरी एलिमेंट शुड हैव एन इमेज, बट देर इज नथिंग कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट शुड हैव अ प्री इमेज। मतलब अगर यहाँ पे सपोज नीचे एक ई होता, सेकेंड, अगर सपोज यहाँ नीचे एक ई होता लेकिन उसके उसका कोई प्री इमेज नहीं होता तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वन वन का मेन कंसर्न इज डिस्टिंक्ट इमेज। ऐसा फंक्शन इज नॉट वन वन, क्योंकि हम लोग का ये वाला जो इमेज है इसका डिस्टिंक्ट नहीं है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए वन वन में हमेशा वन इमेज एंड वन प्री इमेज, कभी भी टू इमेजेस तो हो, कभी भी टू प्री इमेजेस के सिंगल इमेज नहीं हो सकते हैं, और कभी भी टू प्री इमेजेस, कभी भी सिंगल प्री इमेज का टू इमेजेस होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, राइट? यस तब हम मैम लोग वन वन प्रूफ कैसे करते हैं? अगर सपोज सम आया कि कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं है, क्या हम लोग इससे बोल सकते? इस डोमेन में जो होता है उसको हम लोग अगर एक्स बोलते हैं तो जो रेंज होगा उसको हम लोग एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे वन वन का हम लोग मतलब ऐसे तो लिखते हैं ना कि अगर एक एक्स है उसके लिए एक डिस्टिंक्ट एफ एक्स होगा, राइट? एवरी एक्स विल हैव अ डिस्टिंक्ट एफ एक्स। तो यस इफ मैम वी हैव एक्स वन विच इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, मतलब सपोज एक्स का एक्स वन इज 1, एक्स टू इज 3, बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, तो अगर ये दो है तो एफ एक्स वन कैन नेवर बी इक्वल टू एफ एक्स टू इफ द फंक्शन इज 1 1। लेकिन अगर ये कंडीशन बाय चांस इफ इट बिकम्स इक्वल टू, इवन इफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, देन दिस फंक्शन विल बिकम मेनी वन, क्योंकि अब हम लोग के पास डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं, हम लोग के पास मेनी टू वन है। मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ,
ये वाला भी है और ये वाला भी है. बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव द सेम इमेज इन द कोडोमेन, राइट? तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन. तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. फंक्शन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑन 0 टू इन्फिनिटी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स. तो इसमें हम लोग लेते हैं लेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. उसके बाद हम लोग एफ एक्स वन निकालेंगे. हमेशा स्टार्टिंग में हम लोग एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ही लेते हैं क्योंकि इट इज ऑलवेज इजियर टू प्रूव दैट वे. क्योंकि आप अगर नॉट इक्वल टू के साथ काम करोगे देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क आउट एवरीथिंग. इसलिए वी अज्यूम कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल है. अगर ऐसे करते करते हम लोग के पास सॉरी हम लोग स्टार्ट करते हैं अज्यूमिंग या लेट करके दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू इक्वल है तो मतलब एक्स वन और एक्स टू को भी इक्वल होना होगा तभी ये फंक्शन वन वन हो सकते हैं, राइट? यस मैम. तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे. एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन बाय वन प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय वन प्लस एक्स टू. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. करो जानवी सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है. एक सेकंड. मैम वी विल बी गेटिंग x1 इक्वल्स टू x2 हियर. ठीक है, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ये दोनों कट हो जाएगा. तो सिंस हम लोग स्टार्ट किए थे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू से एंड ये करने से वी हैव अराइव एट द कंक्लूजन दैट एक्स वन इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स टू. तो इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज वन वन. अब एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस. इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का ये कंडीशन हो सकता है कि सेम इमेज फॉर टू डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस. दिस कैन हैपन. बट यहाँ का कंडीशन होता है कि जो हम लोग का कोडोमेन है दैट शुड बी इक्वल टू आर रेंज. कोई बोल सकता है इसका मतलब क्या है या इसका मैपिंग कैसा होगा? एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन विल हैव अ प्री इमेज इन डोमेन. वेरी गुड. तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का कोडोमेन है, ये हम लोग का डोमेन है. तो कोडोमेन में थ्री एलिमेंट्स है. All three do not have to have a pre-image to be a function, but to be an onto function or a surjective function, codomain ka har ek element should have at least one pre-image. It can have two also, jaise A ka two pre-images hai, wo ho sakta hai. Lekin at least one hona hi hoga.
यहाँ पे हम लोग को एक और एलिमेंट ऐड करना होगा। क्यों बोलो तो, डोमेन में एक और एलिमेंट क्यों ऐड करना पड़ेगा? बिकॉज टू हैव अ प्री इमेज फॉर बी देन क्यों, हम लोग 1 2 3 को भी तो बना सकते हैं प्री इमेज। इट वोंट बी अ फंक्शन। वेरी गुड। भावे आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन का मैपिंग, वेर एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं? वेरी सिंपल, लास्ट क्लास वी लर्न हाउ टू टेक आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो हम लोग को हमेशा कोडोमेन तो दिया रहता है। लेट्स डू दिस एग्जाम्पल ओनली। अगर हम लोग ये एग्जाम्पल ले तो दिस इज आर डोमेन एंड दिस इज आर कोडोमेन। रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, कौन बोलेगा? हाउ डू वी टेक आउट द रेंज ऑफ अ फंक्शन? बावे आप बोलो कैसे निकालेंगे रेंज? बहुत इजी है ये फंक्शन तो। बाय टेकिंग वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ठीक है, इसके बाद देन वी सेपरेट एक्स सेपरेट एक्स मत बोलो, से एक्स को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, या ये आ रहा है। तो रेंज क्या होगा? ये कोडोमेन है, तो रेंज तो कोडोमेन का पार्ट ही होगा, बट कौन सा पार्ट होगा? क्या फुल कोडोमेन और रेंज सेम होगा? नो मैम तो क्या होगा? रेंज वन नहीं होगा। 1 नहीं होगा, तो मतलब कि दिस एंटायर थिंग होगा, इट कैन बी 0.5। यस मैम तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक का पूरा रेंज माइनस -1 ऐसे, और अगर ये डिफिकल्ट लगे तो यू कैन इवन राइट इट एज 0 से 1 क्लोज ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इनफिनिटी इन्फिनिटी, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है दोनों साइड 1 पे, विच मीन्स हम लोग खाली 1 को बीच से एक्सक्लूड कर दे रहे हैं एंड उसके अलावा पूरा रेंज को ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इज द फंक्शन ऑन टू और सजेक्टिव? नो मैम तो ऐसे फंक्शन को जो ऑन टू या सजेक्टिव नहीं हो, वी कॉल इट इन टू फंक्शन। वहां पे हम लोग 1 1 देखे, जो 1 1 नहीं है वो मेनी 1 है, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। ठीक है, बहुत बार यू गेट कंफ्यूज विद द टर्म्स, तो मेक श्योर ऑन टू एंड इन टू में आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। ऑन टू इज रेंज इक्वल टू कोडोमेन एंड इन टू इज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट, यस मैम अगर एक फंक्शन है विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, या फिर इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव देन ऑप्शन वेरी गुड। जानवी अच्छे से पढ़ी अपना 11th 12th, इसलिए उसको पहले से सब कुछ याद है अच्छे से। तो इट इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। एंड हम लोग एक और कॉन्सेप्ट होता है इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्ट एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल।
अब इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, जैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये एफ एक्स है, इसको हम लोग वाई लेके एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। मतलब कि जो ओरिजिनल फंक्शन करता है उसका ठीक उल्टा उसका इनवर्स फंक्शन करता है, ठीक है? तो मतलब जो हम लोग का कोडोमेन होगा वो हम लोग का डोमेन बन सकता है, जो डोमेन होगा वो कोडोमेन बन जाएगा। तो इसीलिए एक इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, जो बाइजेक्टिव हो, मतलब इट हैज टू बी वन वन ऑल्सो एंड इट हैज टू बी ऑन टू ऑल्सो। ये लॉजिक कभी एज सच मैंने कहीं देखा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी द लॉजिक इज कि वाई डज अ फंक्शन हैव टू बी बाइजेक्टिव फॉर इट टू बी इन्वर्टिबल, बिकॉज क्या होता है, कोडोमेन डोमेन बन जाते हैं, डोमेन कोडोमेन बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ ए बी सी है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे सी को, ए सी जो है इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दे देते हैं, वी आर अलाउड टू डू दैट, राइट? ये तो हम लोग को अलाउड है करना फंक्शन के लिए। लेकिन जब हम लोग इसको इन्वर्स करेंगे तो हम लोग का फिर डोमेन में सी अकेला पड़ जाएगा, बट वो हम लोग को अलाउड नहीं है। सिमिलरली तो हाँ, बट इसीलिए, देन दिस एग्जाम्पल वोंट बी अ सब्जेक्टिव ना. हाँ वही, तो ये हुआ कि वाई इट हैज टू बी ऑन टू, दिस एग्जाम्पल इज नॉट ऑन टू, करेक्ट? तो इट हैज टू बी ऑन टू, क्योंकि जब ये हम लोग का डोमेन बनेगा तब हम लोग का फंक्शन इनवर्स नहीं, मतलब इट वॉन्ट बी डिफाइंड, राइट? विल इट बी डिफाइंड? बिकॉज इट वॉन्ट हैव एन इमेज, एंड फंक्शन के लिए इमेज होना जरूरी है, यस मैम. क्योंकि ये जब होगा तो ये कैसे हो जाएगा, दिस विल बिकम ए बी सी 1 2 3, तो ये बी विल बिकम 2 से 3 से एंड ए 1 से। तो ये हम लोग का सी डज नॉट हैव एन इमेज, बट फंक्शन के लिए कंडीशन क्या था, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड हैव एन इमेज इन द कोडोमेन। तो इसीलिए इट इज नेसेसरी दैट द फंक्शन इज ऑन टू। वाई 1 1, यहाँ पे देखो हम लोग का ये फंक्शन 1 1 भी नहीं था, ये जो मैपिंग है इट्स नॉट 1 1 ऑल्सो। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग जैसे इसको इन्वर्ट किए हम लोग का बी के पास 2 इमेजेस आ गया। इज दिस अलाउड? नो मैम. नो मैम. इट्स नॉट अलाउड। तो इसीलिए अनटिल एंड अनलेस आर मैपिंग इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, मतलब कि इट इज ऑन टू ऑल्सो, इट इज 1 1 ऑल्सो। जब ये दोनों कंडीशन होगा तभी हम लोग उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे, वरना उसका इन्वर्स निकल जाएगा बट इट वॉन्ट बी डिफाइंड, ठीक है? सो नाउ यू नो वाई बाइजेक्टिव होना जरूरी है फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल। इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऑल दिस इज जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको रिलेट कर पाओ हर चीज से, ठीक है? अब एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये आप लोग सॉल्व करोगे। फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7। यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव और नन ऑफ दैट, ठीक है?
मैम आई थिंक इट्स बाइजेक्टिव। जानवी व्हाट अबाउट यू? आई थिंक ओनली इंजेक्टिव। ठीक है, तो कौन सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करना चाहता है? आई वॉन्ट यू, वन ऑफ यू टू डिसाइड कि कौन करेगा। कोई इनिशिएटिव लो। बोलो जल्दी से, वरना फिर आई हैव टू चूज अगेन। तो कोई एक जन बोल बट दो। आई थिंक वी हैव टू चेक द ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑन टू करते हैं चेक। ऑन टू कैसे करेंगे? बाय टेकिंग द रेंज ऑफ इट। रेंज निकाल के। ठीक है, तो जल्दी से वाला मेथड यूज करते हैं। क्या होगा इसमें? रेंज क्या आ रहा है? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। क्या आएगा इसका रेंज? रेंज विल बी ऑल रियल नंबर। ठीक है जानवी, आप बोले कि इट इज ओनली सब्जेक्टिव। हम ओनली इंजेक्टिव। अच्छा, तो ये सब्जेक्टिव क्यों नहीं है? यहाँ पे कोडोमेन वॉज आर, और यहाँ पे हम लोग का रेंज भी आर आ रहा है। आप कौन से एलिमेंट को हटा दिए? नहीं डिड यू थिंक कि क्योंकि 2 to the power 1/3 है, तो जो रूट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या आप वो अप्लाई कर दिए? हाँ, यस मैम। तो अब ये चीज़ देखो, मेरे को लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा। ना यू सी, हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल, बहुत जन को लगता है ऐसा, लेकिन हम लोग वो रूट वाला कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं? टेल मी समथिंग, -1³ क्या होता है? -1 -1² वन 2 to the power 4, वन तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। ये बताओ मेरे को, क्यूब रूट ऑफ -1 कितना होता है? यहाँ पे अगर हम लोग -1 को क्यूब करके -1 लिख रहे हैं, तो -1 का क्यूब रूट कितना होएगा? -1 -1 का स्क्वायर रूट? इमेजिनरी नंबर। तो अब देखो, कभी भी सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ रूट निकालेंगे, तो भी वो नॉट डिफाइंड आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि आप किसी चीज को अगर 3 times मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस इनटू माइनस इनटू माइनस, आपको माइनस दे सकते हैं, लेकिन कभी भी माइनस इनटू माइनस आपको प्लस नहीं दे सकते, राइट? आई मीन सॉरी, माइनस इनटू माइनस अगर खाली आप 2 बार कर रहे हो, तो आपको माइनस नहीं देगा, इट विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव नंबर, है ना? तो कभी भी अगर पावर में या अगर रूट में
इफ द रूट इज अ थर्ड रूट और अ फिफ्थ रूट या किसी भी ऑड नंबर का रूट हो तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? ओनली इफ इट इज 2, 4, 6, कोई भी इवन नंबर का रूट हो देन इट हैज टू बी पॉजिटिव, बिकॉज अगर इवन नंबर है तो हमेशा इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स होगा हम लोग के पास. इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स विल ऑलवेज हैव टू गिव अस अ पॉजिटिव आंसर, लेकिन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स विल ऑलवेज गिव अस अ नेगेटिव आंसर. समझी? यस मैम, तो इसीलिए यहाँ पे आपको वो रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी हो, अगर डिपेंड्स ऑन कौन सा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं. इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग रेंज में ये नहीं लिख रहे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो या माइनस इन्फिनिटी टू -1. हम लोग रेंज बोल रहे हैं इंटायर रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑड नंबर्स का रूट्स पे नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर, लेकिन इवन नंबर का रूट्स पे यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई द स्क्वायर रूट मेथड. ठीक है, एक बार हम लोग जल्दी से इंजेक्टिव भी दिखा लेते हैं. सो नाउ सिंस इट्स इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, इट्स ऑल्सो बायजेक्टिव और इनवर्टिबल. अब एक बार जल्दी से मेरे को इसका इनवर्स निकाल के भी दिखा दो. इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कुछ है नहीं, हम लोग इतना देर से रेंज के लिए कर ही रहे हैं, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनफैक्ट सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस वाई विद एन एक्स. राइट? यही हम लोग का इनवर्स. बोलो, हो गया वो इनवर्स, निकल गया उसका. यस मैम, इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है? बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव? नो मैम, नो मैम. नहीं है, पूरा क्लियर है. तो अब इसका जो रिमेनिंग सम्स है वो आप लोग कर लोगे. बस अब छोटे से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इनवर्स अभी हम लोग जो किए वो सब हम लोग फंक्शंस के साथ डील कर रहे थे. अब अगर आप लोग को दे सकते हैं कि कोई रिलेशन दे दिया एंड उसका इनवर्स निकालने बोल दिया, तो रिलेशंस यूजुअली आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया जाएगा या ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये ले, ये एग्जांपल मैं फर्स्ट क्लास में किए थे, वेयर यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं. ए था हम लोग का 1, 2,
टू एंड थ्री, बी था हम लोग का 1, 8, 27 एंड द रिलेशन वॉज डिफाइंड एज बी इज इक्वल टू ए क्यूब, बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए. ये हम लोग का रिलेशन था जिसका हम लोग आंसर ये निकाले थे, राइट? इसका हम लोग को सेट बनाना था, ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हम लोग को लिखना था, तो ये हम लोग का आंसर आया था, ठीक है? अब अगर सपोज बोलता कि इसका इनवर्स निकालो, तो इसका इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग को पूरा सॉल्व करना होता है. अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते तो बी इज इक्वल टू ए क्यूब और ए इज इक्वल टू बी टू द पावर 1/3, विच मीन्स कि हम लोग का ऐसे बन जाता 1,1, 8,2, 27,3, बन जाता ऐसे. हाँ यस मैम, क्योंकि इनवर्स इज ऑलवेज ये वाला था और ये है बी ऑन ए, मतलब हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट बी से होगा एंड सेकेंड एलिमेंट ए से होगा. तो इसका आर यू सीइंग, इसमें और इसमें एक तो रिलेशन है. क्या हो रहा है, हम लोग का जो एलिमेंट्स है हर सेट, हर पेयर का जो एलिमेंट्स है, वी आर जस्ट इंटरचेंजिंग द पोजिशन, ठीक है? तो रिलेशन का अगर इनवर्स कभी भी पूछेगा तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इनवर्स द पोजिशन ऑफ ईच पेयर, हर पेयर के एलिमेंट का आप लोग पोजिशन को उल्टा कर देना. और एक और चीज रह गया था, फर्स्ट क्लास में आई हैड मेड यू ऑल राइट कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होते हैं, किसको याद है? इफ देर आर टू सेट्स ए एंड बी, ए में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी में क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हैं हम लोग? P into Q. पी इंटू क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 to the power PQ. ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दिस इज नंबर ऑफ रिलेशंस. एंड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस इज 2 to the power PQ-1. ये टू फॉर्मूलाज को आप लोग स्टार्टिंग में जहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का लिखे थे वहीं पे यू राइट दीज टू फॉर्मूलाज. इसके साथ हम लोग का सिर्फ रिलेशंस का एक पार्ट बचता है इस चैप्टर में, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. वो हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, मे बी 2-3 क्लासेस बाद एक बार. आज हम लोग एक बार यहीं पे एंड करें कि यू वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, और डू यू वांट टू स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट क्लास से? आप लोग को वो पीडीएफ में एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आप लोग कर पाए? No, I have doubt, ma'am. कौन से क्वेश्चन में बोलो? क्वेश्चन नंबर बोलो, हम लोग अभी उसको सॉल्व करेंगे. जानवी आपको कोई डाउट नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन में सबका मैम, आई हैव आंसर आ डन चुका? ऑल द क्वेश्चंस. अच्छा, कितना किया आपने? टेन इलेवन ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू डू बाय सैटरडे. सैटरडे के क्लास में वील सी अगर आपको कोई 10-11 तक कोई डाउट नहीं है ना. मैम, देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर ऑन टू एंड वन वन. हाँ, उसके अलावा जो भी आपने किया है, इज देर एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू फेस्ड? मैम, सम नंबर 6. सम नंबर 6. या आई ऑल्सो हैव द सेम डाउट. अच्छा, एक सेकेंड.
सॉरी। हाँ बोलो कि तुम लोग कितना कर पाए नंबर 6। एफ एक्स इज 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, यही था ना क्वेश्चन? सच दैट, या फिर x इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग को निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एफ 1 बाय x। इंडिविजुअल एलिमेंट्स निकाल ली, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ एफ बाय 1 माइनस x। यस मैम, जानवी आपका भी वहां तक हो गया? यस मैम, क्या आया बोलो? एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स, भावे आपका भी वही आया? यस मैम, ठीक है। एंड एफ ऑफ एफ बाय एफ ऑफ 1 बाय x, ये कितना आया? सेम एक्स जानवी आपका कितना आया? माइनस एक्स, ठीक है, इसको या हम लोग सॉरी माइनस एक्स, या माइनस, ऊपर करके देखते हैं। एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस x माइनस 1। कैसा है आप लोग का -x? कहाँ पे गलती हुआ है? देखो एक बार पहले। चेक करो एक बार दोनों जन का कोई आई थिंक सेम ही जगह पे गलती हुआ है। एंड मेरे को आई थिंक लग रहा है कि आप लोग ने इसमें कुछ गड़बड़ की है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हो सकता है कुछ और भी हुआ हो। यस मैम, फंक्शन कहाँ पे गड़बड़ हुआ था? सेकंड ये फंक्शन, मतलब इसको सॉल्व करने में? यस मैम, होगी अब भावे आपको भी इस चीज को ही सॉल्व करने में? नो मैम, आई जस्ट टेक 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। ओ अच्छा, मतलब यहां से कॉपी गलत कर लिया था। या ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग का वो क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 बाय x आएगा अब? तुम लोग आई थिंक 0 आ रहेगा, इसलिए मैच नहीं किया होगा, है ना? या तो ये एक्स प्लस 1 बाय x आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? स्कूल में क्वाड्रेटिक फंक्शंस में वी लर्न समथिंग लाइक कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अगर इसका हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो एक्स कैन बी रिटन एज रूट ओवर एक्स होल स्क्वायर।
वन बाय एक्स कैन बी रिटन एज वन बाय रूट एक्स टू द पावर टू, और स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए वी विल नीड प्लस टू इंटू वन बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एंड सिमिलरली हम लोग को ये माइनस भी करना पड़ेगा सिंस वी आर एडिंग समथिंग. ये तो कट के वन हो जाएगा, तो वी आर एडिंग अ टू एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग अ टू. कैन वी राइट इट एज ये जो माइनस टू है इसको हम लोग इसके साथ ले लिए, तो ये थ्री टर्म्स मिलके ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो रहा है ये फॉर्मूला. और यहाँ पे ये प्लस टू बच गया हम लोग के पास, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. बोलो, यस मैम. लिख सकते हैं ऐसे. जानवी समझ में आया कि हम लोग ये कैसे किए इस स्टेप? यस मैम. तो अब देखो ये जो है दिस इज अ स्क्वायर नंबर, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नेवर गो नेगेटिव के साइड में, यस मैम. एंड उसमें हम लोग एक पॉजिटिव नंबर में टू ऐड कर रहे हैं. अब वो पॉजिटिव नंबर भले ही 0.5 भी हो बट वी आर एडिंग टू टू इट, तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. अगर सपोज ये 0 हुआ, से एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो फिर वो 0 हो जाएगा स्क्वायर टर्म हम लोग का, तो वी विल हैव टू. नहीं तो उसके ऊपर हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसलिए हम लोग का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू टू. देख लो एक बार. ओके मैम. समझ में आया कि कैसे ये सब जो ये 21 क्वेश्चंस आई हैव सेंट, इसमें से अराउंड 15 ऐसा ही है कि आपको थोड़ा सा इसमें कोई डिफरेंट मेथड यूज करना होगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये ए सेट है, तो यू विल ऑब्वियसली गेट एमसीक्यूज व्हिच आर अ लिटिल ट्रिकी, एंड उसमें आपको थोड़ा सा कुछ हटके करना होगा. खाली इफ यू डू इन टू ऑन टू का प्रूविंग, उससे आप लोग का जरूरी नहीं है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो, तो इसलिए दीज क्वेश्चन आई वॉन्टेड यू ऑल टू ट्राई अपने आप से, ताकि आप देख पाओ कि आप कितना वो कर पा रहे हो. एंड उसके अलावा हम लोग और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चन, जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो हम लोग और ज्यादा ए सेट ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे विच विल कंसिस्ट ऑफ मेनली एमसीक्यूज, ताकि उसमें यू अंडरस्टैंड एंड गेट अ होल्ड ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अलावा और कौन सा क्वेश्चन है बोलो? I have problem in question number 10. क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, लेट्स डू दिस. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 10 जानवी आपका हुआ है क्वेश्चन 10? नो मैम, रिपीट नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन क्या था? डोमेन इज -3,5 एफ का, इसका रेंज नहीं पता, एंड जी था, जी का हम लोग को डोमेन और रेंज दोनों नहीं दिया हुआ. जी एक्स इज इक्वल टू 3x+4, यही था ना क्वेश्चन, एंड हम लोग को निकालना था डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, यही क्वेश्चन था राइट? यस मैम. ठीक है, सबसे पहले तो एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ 3x+4.
फोर। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एफ का डोमेन क्या है? -3,5। एक सेकेंड, खुल गया खुल गया। इसका डोमेन इज -3,5, विच मीन्स कि जो 3x मॉड ऑफ 3x+4 है, ये खाली -3 और 5 के बीच का वैल्यूज ले सकते हैं। क्योंकि डोमेन क्या होता है, अगर fx है तो वो x की जगह हम लोग क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं, दैट इज आर डोमेन। एंड यहाँ पे हम लोग x की जगह लिख रहे हैं मॉड ऑफ 3x+4, विच मीन्स मॉड ऑफ 3x+4 कैन ओनली टेक वैल्यूज बिटवीन -3 एंड 5, राइट? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो सिंस ये मॉड है, ये 0 के नीचे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कभी हम लोग को नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, है ना? ओके मैम, दे सकते कभी हम लोग को नेगेटिव आउटपुट? नो मैम, तो इसको हम लोग सिंपली अगर ऐसे लिखते, मॉड ऑफ 3x+4 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 के नीचे पता है कि ये सिर्फ 0 तक ही जाएगा, है ना? 0 के नीचे तो इट कांट गो एनी वे, बट ये 5 के नीचे है, ये कंडीशन हम लोग को अभी भी इस पे इम्पोज करके रखना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू इम्पोज द कंडीशन ऑफ इट बीइंग मोर देन -3, लेकिन इट इज नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन ये वाला कंडीशन, और नहीं तो यू कैन इवन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बिकॉज वील ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू द सिंपल वे। अगर मॉड फंक्शन है तो अगर मॉड को हटाना है तो क्या होगा? वी ओपन द ब्रैकेट एज प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस होएगा, तो मतलब अगर इसका मतलब क्या है कि ये जो 3x+4 है ये -5 और +5 के बीच में है। क्यों? बिकॉज अगर सपोज ये -6 हुआ तो मॉड ऑफ -6 गिव्स अस 6, तो हम लोग का ये कंडीशन इम्पोज जो है वो हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब भी हम लोग मॉड का ब्रैकेट्स खोलेंगे, इट विल ऑलवेज कम आउट इन दिस फॉर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि इसको पूरा एक्सप्लेन करें कि ये कैसे आ रहा है ये लिमिट्स हम लोग का? बोलो, इफ यू वांट एन एक्सप्लेनेशन देन आई विल एक्सप्लेन fx करके पूरा अलग से। दिस इज नॉट क्लियर। दिस इज नॉट क्लियर? तो देखो हम लोग क्या करते थे, कभी भी सपोज कोई मॉड फंक्शन है, अगर हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग याद है फर्स्ट एकदम फर्स्ट क्लास में वी हैड डन कि मॉड एक्स को वी ब्रेक इट एज -x एंड +x इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड इफ एक्स इज मोर देन 0, राइट? ये याद है कि हम लोग मॉड एक्स को ऐसे खोलते थे, वी यूज टू डिवाइड इट इंटू 2। तो अब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ क्या है 3x+4, इफ दिस एंटायर थिंग इज लेस देन 0 एंड इफ इट इज मोर देन 0, मतलब अगर 3x+4 द एंटायर थिंग इफ इट टेक्स ए नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग उस पूरे नेगेटिव वैल्यू को एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ताकि द वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव, एंड इफ इट इज गिविंग अस अ पॉजिटिव रिजल्ट देन हम लोग उसको एज इट इज मॉडुलस बस हटा के लिख देंगे, राइट? यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लिख रहे एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक्स का वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? अगर एक्स लेस देन 0 है से
माइनस 0.5, इफ एक्स इज माइनस 0.5 तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 × −0.5 इज −1.5, एंड 4 − 1.5 कितना हो जाएगा हम लोग का, −2. प्लस 2.5, राइट और रॉन्ग? इफ एक्स इज इक्वल टू −0.5 विच इज लेस देन 0, देन 3x + 4, यहाँ पे एफ एक्स लिखें, इज दिस करेक्ट? कि अगर एक्स −0.5 है देन हम लोग का जो अंदर का फंक्शन है या एक्सप्रेशन है दैट विल टेक द वैल्यू 2.5. ओके लेगा ना 2.5, बट 2.5 इज पॉजिटिव, तो हम लोग इसको जब मॉड से निकालेंगे देन वी विल जस्ट राइट इट एज 2.5. वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई कोई माइन, हम लोग को उसको −1 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा पॉजिटिव बनाने के लिए, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम लोग ये कभी भी नहीं लिखेंगे. हम लोग का मॉड्यूलस विल डिपेंड ऑन इंटायर फंक्शन जो है मॉड के अंदर उसका साइन, ठीक है? तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ये समझ में आ रही है जो लिखा हुआ है, दिस थिंग यस मैम. आया समझ में? अब देखो इन लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो मॉड है दैट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 5, विच मीन्स कि हम लोग का 3x + 4 का जो वैल्यू आएगा दैट इधर हैज टू बी लेस देन 5, क्योंकि तब इसका जब मॉड निकलेगा तो वो 5 से कम होगा, या फिर इट हैज टू बी ग्रेटर देन 5. नंबर लाइन पे क्या होता है, −5 0 + 5, ग्रेटर देन 5 मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन −5 और 0 के बीच में मतलब ये वाला एरिया हो गया, एंड 0 से 5 के बीच में ये वाला एरिया हो गया. अगर सपोज हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट ले से −6, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 × −6, ये पूरा चीज मॉड ऑफ −6 हो जाएगा, ये होगा. यस मैम. इज दिस सेंटेंस ट्रू? इज इट मेकिंग सेंस? यस मैम. तो मतलब कि हम लोग को, और ये तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि कंडीशन क्या है कि 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से कम हो सकता है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वेन एवर वी ओपन द मॉड्यूलस हम लोग हमेशा यहीं का ले सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे −3 हुआ तो दैट विल रिटर्न +3, आउटपुट +3 होगा, एंड +3 इज ऑलवेज लेस देन 5. पॉजिटिव नंबर्स में तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स तो हम लोग को एज इट इज वही रिटर्न देगा, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में अगर हम लोग −5 के इस तरफ मूव करना स्टार्ट किए तो हम लोग का मॉड्यूलस का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाएगा, बट वी आर अलाउड टू मूव दिस साइड क्योंकि यहाँ से हम लोग का पॉजिटिव नंबर हमेशा 5 से कम होगा. जानवी आपको समझ में आया ये चीज? नहीं समझ में आया कुछ भी देन आई कैन इजीली रिपीट इट, कोई हड़बड़ी नहीं है. बोलो यस मैम, आया ना समझ में? यहाँ से समझ यहाँ तक आया. अब इससे हम लोग एक्स का लिमिट्स निकाल सकते हैं, दोनों साइड में −4 करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे. अगर 5 − 4 1 / 3,
इनइक्वालिटी सॉल्विंग समझ में आया कैसे की है? यहाँ से हम लोग को इसमें से यस एक्स की मैम, जगह एक्स यस के अलावा जितना भी है वी हैव टू रिमूव, तो +4 के साथ हम लोग पहले -4 करेंगे टू रिमूव द 4, तो हम लोग को दोनों साइड्स में भी करना होगा -4 -9 एंड 1, फिर 3x बचेगा उसमें से हम लोग को 3 हटाना है, तो वी विल डिवाइड बाय 3, यहाँ पे -1/3 एंड यहाँ पे +1/3, तो आंसर क्या हुआ, दोनों साइड इक्वल टू का साइन है, तो डोमेन ऑफ एफ डॉट जी एक्स इज इक्वल टू -1/3 टू 1/3, सॉरी कुछ गड़बड़ ओ माइनस थ्री हाँ वही वही यहाँ पे यहाँ -9 था एंड हम लोग डिवाइड बाय 3 किए तो ये -3 होगा, सॉरी अब ठीक है। ओके समझ में आया? कोई भी स्टेप एक बार वापस से राइट दिस डाउन एंड गो थ्रू इट, कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बोलो, आई एक्सप्लेन इट अगेन अभी ओनली। ये वाला सोल्यूशन को कॉपी करो अपने कॉपी में। ये क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ था? नो मैम, जानवी तुमको हुआ था और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम? नो मैम, ऑल क्वेश्चंस आर फाइन जानवी, यू डू बाकी का क्वेश्चंस एंड जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट किए उसका भी क्वेश्चंस आप लोग कर लेना नेक्स्ट क्लास, अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, ओके मैम। ठीक है? थैंक यू।